हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू गोभी की सब्ज़ी बिना प्याज बिना लहसुन में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तब तक आप हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब करें। उसके लिए हमें चाहिए दही, तो होममेड दही ले सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने दुकान का दही लिया। 2 चम्मच दही को फेंट सकते हैं, अच्छे से फेंट लीजिएगा। उसके बाद इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर 2 चम्मच, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच करी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, चिकन मसाला या मटन मसाला ऐसा कुछ ले सकते हैं गरम मसाले में। और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी 1 चम्मच। उसके बाद तो अब हम इसमें नमक डालते हैं स्वाद अनुसार, 1 चम्मच डालें। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके देख सकते हैं, ऐसा पूरा मिक्स कर लें, मिक्सर में ना काटें। तो अब हम गोभी काटने के प्रोसेस में चलते हैं। तो ये साइज़ हमारा परफेक्ट है, इतना ना ज़्यादा छोटा करें ना ज़्यादा बड़ा। दोनों गोभी को काट के धो लिया हमने, काट के धो के थोड़ी देर रख दिया था ताकि पानी इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। उसके बाद हम कढ़ाई गरम करते हैं और गैस को ऑन। अब हम इसमें डालेंगे तेल, गोभी को फ्राई करने के लिए तेल चाहिए, तो 3 बड़े चम्मच के हिसाब से तेल डालें और गोभी को एक कढ़ाई के ढक्कन में ही निकाल लें ताकि हम गोभी डालें तो तेल ऊपर ना आ जाए। तो तेल हमारा गर्म, अब हमने गोभी डाल दिया है, तब देख सकते हैं। अब हम सारा गोभी डाल देंगे कढ़ाई में, पूरा गोभी डाल देंगे। और पानी वगैरह जो था वो पहले ही छान लिए थे तो उतना ज़्यादा नहीं, तो देख सकते हैं। तो अब हम 2 आलू ले लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारे 2 आलू धो के छिलके काट ले इस साइज में। और हम गोभी को देख लेते हैं, तो गोभी थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं, 2-2 मिनट पे चलाते रहें गोभी को। तो देख सकते हैं ये हमारे फिर से 2 मिनट हो गया है। उसके बाद तब तक हम 2 टमाटो की प्योरी बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए मिक्सर जार जो हमने ले लिया है, और हम टमाटो को काट देंगे। 2 टमाटो को मीडियम से स्मॉल, देख सकते हैं स्मॉल से थोड़े से बड़े बड़े हैं। और इसको हमने प्योरी बना लिया। तो अब हमारे गोभी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा गोभी आधा तो हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, नमक और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, हल्दी पाउडर। तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। नमक और हल्दी मैंने पहले नहीं डाला था, नमक तो भूल गई थी, लेकिन हल्दी डालना चाहिए था, लेकिन हल्दी डालने से जल जाता है इसलिए हल्दी नहीं डाला था। हल्दी लास्ट में डालें, ज़्यादा भी लास्ट में ना डालें, हल्दी डाल के कम 6-7 मिनट तक भून दें, उसके बाद ही निकालिएगा। अगर हल्दी कच्ची रह जाएगी तो सब्ज़ी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये हो चुकी है हमारे 5-6 मिनट, अब हम गोभी को निकाल लेंगे। तो हम गोभी को, सारे गोभी को निकाल लेंगे गैस को सिम में रख के, और हम इसमें कुकर चढ़ाएंगे, झट से बन जाती है ना इसलिए। तो हमने कुकर गैस को किया तेज। ये एक अदरक ग्रेट कर लेते हैं, और ये रहे दालचीनी और गोल मिर्च, बड़ी इलायची और जावित्री का फूल। और बड़ी इलायची को थोड़ा सा कूट लेंगे। और अब हम देख सकते हैं, अब हमारा कुकर में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तो इस तेल, जब तक तेल देख सकते हैं गर्म हो रहा है, तब तक हम कस्तूरी मेथी निकाल लेते हैं। तो हमने थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल के चेक किया, तेल हमारा गर्म हुआ कि नहीं हुआ, तेल अभी लगभग ठीक है। तो अब हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी भी थोड़ा सा, 1/2 चम्मच। कस्तूरी मेथी से बढ़िया फ्लेवर आती है। तो अब हमने इसमें 2 तेज़पत्ते डाल दिए हैं, इसको फूटने देंगे। देख सकते हैं ये हमारे फूट रहे हैं, 2 मिनट तक थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो अच्छा भुने हुए मसाले की बहुत बढ़िया फ्लेवर आती है। तो हम मसाला भून लेंगे, उसके बाद देख सकते हैं। और हमने इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देंगे, जो हमने पहले अदरक ग्रेट किया था। और उसके बाद हम इसमें जो हमने दही का मसाला बनाया था वो मसाला डाल दें, सारा डाल दें। और गैस को हाई रखें और बहुत तेज़ी से चलाएं, क्योंकि अगर दही फट जाएगा तो सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इसलिए फ्लेम को हाई में रखें और अच्छे से घाटें, जल्दी जल्दी चलाएं। तो देख सकते हैं हमारा तेल कैसे ऊपर आ गया। तो अब धीरे चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको भूनते रहें। और जो हमने टमाटो का प्योरी बनाया था अब हम वो डाल देंगे, वो डालने के बाद इसको अच्छा से मिक्स कर देंगे, मिक्स करते रहें।
तो देख सकते हैं हमारा कितना सुंदर कलर आया है। फ्लेम हाई में ही रखें, लो ना करें। जो भी बचे थे सारे डाल दिए, मिक्स करते हैं। तो देख सकते हैं फ़ोन में तो ऐसा कलर आ रहा है, लेकिन रियल में बहुत सुंदर रेड कलर जैसा आ रहा था। तो देख सकते हैं इसको हाई फ्लेम में भूनते रहें, ये जब तक मसाला अच्छे से भून जाएगा। तो देख सकते हैं पूरा तेल ऊपर आ चुका है, इसको ऐसे ही भूनते रहें। थोड़ी देर भूनेंगे, उसके बाद अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। ये हमारा सूख, देख सकते हैं नीचे जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो सब सूख रहा है। तो अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। तो हमने जो आलू धो के ऐड कर दिए हैं, और आलू को 2 मिनट भून लेंगे। अभी हम गैस को थोड़ा सा मीडियम रख देंगे, और इसको आलू को अच्छे से मिक्स कर देंगे। देख सकते हैं हमारा मसाला भी कितना अच्छा हुआ है। तब तक हम गर्म पानी करने के लिए चढ़ा देते हैं, क्योंकि इसमें ठंडा पानी ऐड ना करें। गर्म पानी डालने से फ्लेवर अच्छा रहता है। आप चाहे नॉर्मल वाटर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं तब तक हमारी आलू भून रही है, और इतना बढ़िया स्मेल आ रहा है ना, वाह। तब देख सकते हैं 2 मिनट के बाद भी हमारा पूरा अच्छे से जितना भी पानी था थोड़ा सा भी सब सूख गया है। तो अब हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी ना डालें। तो देख सकते हैं हमारा सब अच्छे से मिला लें, आलू जितने में डूब जाए उतना पानी ही डालें, इससे एक्स्ट्रा ना डालें। तो अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे। तो एक प्रेशर लगाएं और अच्छे से चेक कर लें, ये हमारा एक प्रेशर हो गया है। तो अब हम इसको फटाफट से 2 मिनट के बाद ही खोलना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो ये हमारा एक प्रेशर हो गया, तो हम प्रेशर निकाल रहे हैं। ऐसे डायरेक्टली निकाल देंगे तो आलू कच्चे रह सकते हैं, इसीलिए थोड़ा देर एक सेकेंड छोड़ के ऐसे करें तो अच्छा रहेगा। आलू भी पूरा परफेक्ट गल जाएगा, और कोई ये भी नहीं जब हमारा प्रेशर ख़त्म हुआ। तो अब हम ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है, और दिखाती हूँ, देखिए आलू भी गल चुका है। हमारा आलू 90% गल चुका है, 10% गोभी के साथ गल जाएगा। तो गैस को हम करते हैं ऑन, और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। हमने गोभी को भी पूरा पकाया था, 90% ही बचाया था कि आलू के साथ पके। देख सकते हैं इसको मिक्स करते रहें पूरे अच्छे से। अभी आप चख सकते हैं नमक वगैरह कुछ कमी हो तो उसके बाद नमक वमक अगर कुछ कमी हो तो आप डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं बढ़िया से उबल रही है, एंड स्मेल भी बढ़िया आ रही है। ये सब्ज़ी में पानी नहीं जाता है ज़्यादा, तो सूखा सूखा सा सब्ज़ी रहता है। हमारा नमक कम था तो हमने नमक डाल दिया है। हम इसको मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं जब तक आधा, अब हमने इसमें गरम मसाला का पाउडर, जैसे दालचीनी ये सब हुआ, वो 1 चम्मच ऐड कर दिया, और 1 चम्मच चिकन मसाला, गरम मसाला, चिकन मटन जो भी मसाला आप ले सकते हैं, उससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आती है। तो इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करते रहें उसके बाद इसे, तो हम अब इसमें कस्तूरी मेथी डाल देंगे। कस्तूरी मेथी थोड़ा सा डालेंगे तो ऊपर से बहुत बढ़िया फ्लेवर आती है, और धनिया पत्ता सर्व करने टाइम में काट के डाल दीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो हमारी ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छे से उबल रही है। तो अब हम इसको ढक्कन लगा देंगे, प्रेशर नहीं लगाना है, बस ढक्कन लगाना है, और जस्ट 2 मिनट 20 तक काउंट कीजिए, उसके बाद ऐसे गैस को बंद कर दीजिएगा, ताकि हमारा सब्ज़ी ज़्यादा ओवर कुक ना हो और सब्ज़ी भी अच्छा टेस्ट हो। तो अब हमारा 20 सेकेंड हो गया, तो हम गैस को किए बंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब बाद में आप
इसको बाद में आप इसको आधे घंटे के बाद खोल के चेक कर सकते हैं, इतना टेस्टी होगा ना।